हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ चल रही है दौज की तैयारी। कुहू अपने तीनों भाइयों की दौज कर रही है। देखो, सुजल, विराज और माधव तीनों बैठे हुए हैं और यहाँ ये दौज कर रही है कुहू। और माही भी करेगी अभी अभी। पहले कुहू कर रही है, फिर माही करेगी उसको देखकर। तो माही भी हमारी बैठी हुई है, तो यहाँ सुजल के कर ली है। और उसके बाद फिर विराज का नंबर आएगा। तो यहाँ अभी ये लड्डू के जो डिब्बा रखा हुआ है बेसन के लड्डू, और इसमें से निकाल कर और कुहू फिर खिलाएगी अपने भाई को। और कुहू ने देखो बाल कंघी नहीं करवाए, उसे बस जल्दी जल्दी करना है। और हमारी माही कैसी लग रही है, बैठी हुई है, वो भी देख रही है, फिर वो भी करेगी। तो यहाँ सुजल का हो चुका है, अब आई विराज की बारी। और आप लोग पूछ रहे थे ना कि विराज में और माधव में बड़ा कौन है, तो विराज और माधव में विराज ही बड़ा है और माधव छोटा है। तो यहाँ विराज का भी तिलक कर दिया है कुहू ने। और माँ ही सोच रही है मेरा नंबर कब आएगा, कब मैं करूँगी। तो फिर अभी वो भी तिलक करने के लिए स्टार्ट हो गई है। उसने उंगली में तिलक ले लिया है, ये देखिए। और यहाँ माधव के करने के लिए जा रही है। अब वो फिर से, तो ये देखिए यहाँ माँ ही भी तिलक लगाने के लिए तैयार है। तो यहाँ माही कर रही है तिलक, ये देखिए, अपने भाई के तिलक लगा रही है। उसको भी ना लगा हुआ था कि मैं भी करूँगी, मैं भी करूँगी। तो मैंने कहा चलो कर दो। तो ये चावल लगाए हैं माही ने, और ये इस तरीके से इसके ऊपर डाल रही है चावल। तो यहाँ जैसे जैसे कुहू कर रही है ना, वैसे ही माही कर रही है उसे देखकर। तो अब वो मीठा खिला रही है। तो यहाँ माही ने भी दौज कर दी है भाई की, और कुहू ने भी तीनों भाइयों की कर दी है। तो मैं ना एक ही गोला दिलाती हूँ दोनों भाइयों को, क्योंकि जब बड़ी हो जाएगी तो मैंने कहा अपने आप लेकर आया करेगी। अभी एक ही गोले में दोनों की करा देती हूँ। और ये एक माधव को, और ये माही दे रही है। तो माही सोच रही है कि दोनों छोटे छोटे भाइयों पे है पर बड़े भैया पे नहीं है, तो माही बड़े वाले भैया को ही देने गई है। ये देखिए हमारी माही समझदार है, उसे दिख रहा है कि दोनों छोटे छोटे भैयाओं पे है पर बड़े भैया पे नहीं है। तो मैंने कहा चलो पैर छुओ माही के, तो माही उल्टा उन्हीं के पैर छूने लगी। ये ऐसे ही करती है, अगर इससे बोलो ना पैर छूने की मतलब माधव से, विराज से, तो खुद भी छूने लग जाएगी। तो यहाँ कुहू अभी पानी पिला रही है, उसके बाद तो फिर विराज माही के पैर छुएगा। और विराज बहुत शैतानी करता है, बहुत ज़्यादा। देखो गोले से पैर छूने लगा है और कह रहा है पैर में मार दूंगा। तो मैं उस पर चिल्ला रही हूँ, मैंने कहा ढंग से पैर छू ले, बहुत ज़्यादा उधम मचाता है ये। और मैंने पूछा, मैंने कहा चलो माही के छुए, तो माही को बुला रहा है कि मेरे पास आ। अरे ये देखो इस तरीके से ये छू लिए हैं पैर। तो यहाँ हो चुकी है इनकी दौज, अब आती है मेरी बारी। तो यहाँ अब मेरी बारी आई है, तो मैं भी यहाँ दौज मंस रही हूँ। मैं कर नहीं जा रही हूँ इस की बार, बस ऐसे ही बहुत भीड़ रहती है, बहुत मतलब दिक्कत होती है, तो इसलिए। और अभी मैं चालू है तो कर चार आई थी दिन, मगर मुझे नवरात्रों में, तो इस पूरी वजह पिज़्ज़ा में से तेरा मुझे चला आ रहा मुश्किल है। वो लग चला रही है कम है। नहीं लगता, जिस पे ज्यादा बढ़िया चला जाता है। तो यहाँ मैंने अपने गोला मैं मंच चाहे के तो रखे मेन जाए हुए वहां पे जा हैं, रहा है चेहरा, बाद आवाज कह में रहा हूं फिर मैं कभी भी जाऊंगी। जाऊँगी। बंद करो। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं बना रही हूँ आज कढ़ी। बच्चों का थोड़ा मन था तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, और ये भी बोल रहे थे कि आज कढ़ी बना लो।
तो मैंने कहा चलो कढ़ी बनाते हैं। दही रखी हुई थी क्योंकि हमने ना गोवर्धन वाले दिन कढ़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ भंडारा हो रहा था कढ़ी बाजरे का। हमारे यहाँ पर कढ़ी और बाजरे का ही भंडारा होता है, और कोई घर में बनाता है तो कढ़ी बाजरा ही बनाता है गोवर्धन वाले दिन। तो हम फिर वहीं मंदिर से लेकर आए थे पापा जी, तो हमने फिर वही खा लिया कढ़ी बाजरा। और उसके बाद फिर आज मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो यहाँ मैंने घोल बना के रखा हुआ था और कढ़ाई भी गर्म हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने ये आज मैं कुकर में नहीं कढ़ाई में कढ़ी बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये डाल दिया है इसमें सारा जो घोल बना के रखा हुआ था। तो ये देखिए यहाँ कढ़ी मैंने छौंक दी है अच्छे से तड़का वड़का लगाकर। और अभी मैं बनाऊंगी पकौड़ी, क्योंकि कढ़ी उधर बन चुकी है तो मुझे पकौड़ियाँ भी बनानी है कढ़ी में डालने के लिए। और मैं भी नहा कर और गोला मंस के रख दिए थे और बाल कंघी नहीं किए मैंने भी। मैंने कहा बाद में करूँगी क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी, टाइम ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, मैंने कहा जल्दी से बना देती हूँ, क्योंकि मुझे ना फिर ये रहता है कि जल्दी से खाना बना दूँ बच्चों का पेट भर जाए तो फिर मेरी भी टेंशन ख़त्म हो जाती है, फिर मैं अपना धीरे धीरे वही काम करती रहती हूँ। तो यहाँ देखो कढ़ी बन चुकी है, और फिर मैं यहाँ पकौड़ियाँ निकाल लूँगी। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बनाई थी कढ़ी ला के ही, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि ज़्यादा बना लेना, फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी बना ही लेती हूँ। तो यहाँ सिर्फ मैंने नमक डाला है इसमें, और मेरे गैस का पाइप है ना ये ख़राब हो चुका है, तो ये भी मुझे चेंज करवाना है, तो इसे भी मैं चेंज करवाऊंगी। तो यहाँ जल्दी से घोल बना लूँगी मैं, उसके बाद फिर पकौड़ियाँ बनाऊँगी। और आज मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था क्योंकि मैं घर नहीं गई थी और सभी जा रहे थे, तो थोड़ा सा ना मन उदास सा हो गया कि मैं भी जाती ऐसे जाती ये करती वो करते, तो दिमाग थोड़ा ऐसे ख़राब सा था। और याद भी आ रही थी भैया की, मम्मी की, पापा की, सभी की, पर मैंने कहा चलो कोई नहीं फिर कभी चलते हैं। और चली तो मैं जाती पर मैं अभी आई थी तो इसलिए फिर मेरा मन नहीं हुआ, मैंने कि जल्दी जल्दी चक्कर लग गए हैं, अब नहीं अब फिर कभी जाऊंगी मैं, तो इस वजह से। पर कहते हैं ना याद तो आती है, मेरी बड़ी वाली सिस्टर वहाँ पहुँच गई थी वैसे तो भैया के तिलक वगैरह करने के लिए, पर मैंने कहा चलो कोई नहीं फिर कभी चलते हैं। तो यहाँ पकौड़ियाँ मैंने डाल दी हैं, और याद इसलिए आ रही थी क्योंकि त्योहार पे देखो याद तो आती है। तो भैया ने, मेरे बड़े वाले भाई हैं ना, उन्होंने वीडियो कॉलिंग भी किया था मेरे पास, तो मैं रोने लगी तो भैया बोल रहे थे कोई नहीं अब की बार आ जाना रो मत, तो वो ये ना थोड़ा सा आ ही जाता है रोना, पता नहीं मेरा दिल ऐसा क्यों है, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ बहुत जल्दी, कोई भी ना मैं सहन नहीं कर सकती, बहुत जल्दी मुझे रोना आता है। तो ऐसे ही मैं इमोशनल हो गई थोड़ा सा। तो यहाँ पकौड़ियाँ सारी बन डाल दी हैं उसी में कढ़ाई में, और उसके बाद तो यहाँ पर फिर उसके बाद मैं बना रही हूँ आलू की कचौड़ी, तो उसी की तैयारी कर रही थी, आलू की चटनी बना रही थी मैं। तो यहाँ मैंने प्याज, हरी मिर्च, आलू और लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर ये सब डाल दिया है मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर मैं कचौड़ियाँ भी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कचौड़ियाँ नहीं बनाई थी दिवाली पे, तो मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ। तो आज मैं कढ़ी, चावल और कचौड़ियाँ, पूड़ी यही सब बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ कचौड़ियों की तैयारी कर रही हूँ, और फिर उसके बाद पूड़ी और कचौड़ी दोनों ही बना दूँगी। तो यहाँ धनिया वगैरह सब डाल रही थी मैं, हींग वगैरह, और ये सबको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो आप सब भी आ जाइए और खा लीजिए, मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर सारा मसाला वगैरह मैंने डाल दिया है, उसके बाद मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी
चटनी को। तो ये देखिए मैं हाफ से ही मिक्स कर दूंगी। और आलू ठंडे हो चुके थे ना, तो थोड़ा फिर टाइट टाइट सा लग रहा था फोड़ने में भी, तो अच्छे से इन्हें फोड़ कर इसकी मैं चटनी बनाकर फिर मैं कचौड़ियाँ बनाऊंगी। और पूड़ियाँ भी सेकनी हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चों पे नहीं खपती हैं कचौड़ियाँ, तो उनके लिए मैं पूड़ियाँ सेकूंगी। यहाँ पर सारा काम हो चुका है, आटा वगैरह सब कुछ लगा के रखा हुआ था कचौड़ियों का और पूड़ियों का दोनों का। और ये आलू मिक्स कर लिए हैं और बच्चों को भूख लग रही थी तो इसलिए चक्कर काट रहे हैं, तो फिर मैं जल्दी जल्दी अब बना लूँगी। तो यहाँ पर खाना बन चुका है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको अच्छे से ब्लॉग में।